नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें पानीपत के भावना चौक से देख रहे हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले एक महिला को यहाँ से पकड़ा गया है। बच्चा उठाने के लिए आई थी तो मोहल्ले वालों ने उसे पकड़ लिया। तो आपको पूरी खबर से रूबरू करवा दें, इससे पहले आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइव करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सारा मामला आपको बताते हैं कि ये सारा मामला क्या था। अभी थोड़ी देर पहले का जो मामला है बताया जा रहा है, एक महिला को पकड़ा गया है भावना चौक पर। कौन थी वो महिला उसके बारे में आपको बता दें, पहले उससे पहले आपको उस महिला की फ़ोटो जरूर दिखा देते हैं। ये वो महिला थी जिसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर पकड़ा गया है। बच्चा उठाने के लिए महिला आई थी तो भावना चौक से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। पहले करूनी के लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहना उनका, क्या हुआ था जी यहाँ पे? ना इधर ये बच्चे के पीछे लग रही थी औरत इसी बच्चे के पीछे लग रही थी तो इस बच्चे ने मुझे आवाज़ दी, क्या कहते हैं आंटी बच्चे ठा रही है, मैं बेकार ही है। मैं इस बच्चों से पीछे पीछे गई, मैं बोली क्या कहते हैं गली वालों तुम मेरे पीछे आओ, मैं पकड़ती हूँ। मैंने भावना चौक पे इसी को लेडीज़ को पकड़ा है भावना चौक पे। जब भी सभी मेरे से बोले क्या हो रहा है, मैंने इसलिए नू कहा भाई ये बच्चे पकड़ रही है। फिर सभी भावना चौक पे पुलिस वालों को सब ने दे दिया। क्या डाल रखा था उसने? हैं जी, क्या कपड़े क्या डाल रखे थे उसने? एक जींस की पैंट डाल रखी थी और टॉप डाल रखी थी और काला मुंह कर रखा था और नीली सी वो कर रखी थी। और जैसी मैंने और दोनों लेडीजों ने पकड़ा तो हमारे ब्लेडिंग चालू होगी। यानी सुमाने की चीज ले रही थी वो, जिससे कि हम उल्टी आने लगी, हमारे को सबूत है ना। पर आप बताओ क्या हुआ था? आज ये मेरा बच्चा खेल रहा था खेड़े पे, इसके पीछे लग लिया, कहा जा तुझे टॉफी दूंगी, आ जा टॉफी दूंगी। बच्चे डरते भाग लिए, आवाज मारे लगे, हम सारी जनी बाहर लगड़ का आए। अच्छा, फिर के बाद हमारे बालक हमारे घर में बढ़ गए डरते, पीछे करके पकड़ दिया उसको। फिर वहाँ भावना चौक पास इधर मुकर ले तो बटे। ये बता क्या हुआ था मेरे को? क्या हुआ था बता? बता क्या हुआ था? हम खेल रहे थे, हमारे पीछे पड़ के ऐसे बोल रही टॉफी दूंगी, दुकान से टॉफी दुआऊंगी, मेरे साथ आ जा। हाँ, फिर हम भाग रहे, मैंने धामा आंटी आवाज मारी, फिर आंटी आके उसको पकड़ने लगी तो वो उल्टी तरफ से भाग के भावना चौक आ गई। क्या कह रही थी? क्या किस लिए बुलाया था तुमने? कहती टॉफी दूंगी, आजा बच्चे टॉफी दूंगी, मैं तेरे टॉफी दे के तेरे को वहाँ तेरे घर पे छोड़ी आऊंगी। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद वो दम आंटी के बाद में दम आंटी उसको पकड़ने लग गई। अच्छा, क्यों पता बोल क्या क्या हुआ था बेटा, बता थोड़ा सा। हम प्लाट में खेल रहे थे भैया, और आई और ये कहने लगी टॉफी दूंगी, और हमको इधर मुकर ले, और हमारी मम्मी को कुछ सुंगा दिया और भाग गई, और हमने पकड़ा भी उनको। कहाँ से पकड़ा, क्या क्या लाई थी वो? ये क्या लाई थी, क्या टॉफी दूंगी। अच्छा, तो आपको बता दें कि इधर हो जा बेटा, शक्ल दिखानी आपकी। तो भावना चौक का ये मामला है जो बताया जा रहा है। एक महिला की फिर से आपको फोटो दिखा दें, इस महिला को थोड़ी देर पहले पकड़ा गया। आप इस महिला को जानते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस फोटो को शेयर जरूर करें। पानीपत के भावना चौक की ये खबर आपको दिखा रहे हैं। बच्चों को उठाने वाला गिरोह जो है पानीपत में सक्रिय है, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप बताओ फिर क्या हुआ था उसके बाद? फिर पुलिस आई थी, उसके बाद पुलिस उसे ले गई है। हमने कहा था भाई तहकीकात करना इसकी अच्छी तरह, भाई जिससे कि कोई भी बच्चा ना उठा सके। आज तो भाई किसी का बच्चा उठा रही है, कल ले और किसी के बच्चे को ना उठावे। बच्चे अपने आएंगे, महल्ले के बच्चे तो अपने बच्चे, देखो सबके बच्चों की सेफ्टी होनी चाहिए। अब बच्चे उठाएंगे तो महल्ले का क्या होगा? देखो छोटे छोटे बच्चे, उनकी किडनी क्या करेंगे उनसे उठा के उसको? ये बताओ, माना इसीलिए दो रुमाल निकले, मैंने जो निकाले उल्टी लगी, हमारी तबीयत खराब हो गई दोनों की। बताओ क्या हुआ सर? उसकी जेब से दो रुमाल निकले, इन्होंने जैसे रुमाल निकाला है उन दोनों लेडीजों की तबीयत खराब हो गई, वो वॉमिट आने लग गई है। अच्छा, रुमाल के अंदर पता नहीं क्या था क्या नहीं था। पहले देखा कभी उस महिला को यहाँ? पहले कभी नहीं देखा, उसकी शक्ल भी भयानक थी, उसका वेशभूषा जो थी बड़ी भयानक थी। क्या लगा रखा था फेस पे? पता नहीं, लिपस्टिक कैसे फैली हुई थी, आंखें बिल्कुल काली कर रखी थी उसने। आपने भी देखी थी? पूरे मुंह पे उसके लिपस्टिक लगी हुई थी और वीडियो भी बनाई थी हमने। थोड़ी सी वीडियो फोटो भी उसकी। तो आपको बता दें भावना चौक का ये मामला है, एक महिला को पड़ेगा यहाँ पर। तो ये वो महिला जो है, इस महिला को यहाँ पर पकड़ा गया है, बच्चे को उठाकर ये ले जाने लगी थी, हालांकि वीडियो साफ नहीं है।
ये बैठी है, इसके अंदर कोई रुमाल के अंदर कोई दवाई भी ले रही थी। तो ये फिर से आपको दिखा दे, ये वो महिला है, थोड़ी देर पहले यहाँ पर पकड़ा गया, पुलिस को सूचना देगी। किला थाना जो चौकी के पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर इसको लेके हाँ जी बताओ भैया, ऐसे ही होता रहे तो बच्चे कहाँ खेलेंगे, कहाँ जाएंगे, घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा इनका, तो ऐसे इनके लिए कोई उपाय किया जाए, कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये उठा रही है, कल और भी कोई उठाएगा, इससे बहुत दुख है। बच्चे तो सबके बाहर घूमते हैं ना जी, बच्चे थोड़े मारने वाले हैं, आज इतने भाई इतने बड़े उठाए, छोटे छोटे भी पीते हैं। कार्रवाई की जाए तो अच्छा है, कार्रवाई होनी है। अशोक बिहार से तीन बच्चे गायब हो रहे हैं जी परसों के, अभी भी उसके पीछे पकड़ी करती, हम उसके पीछे भाग लिएंगे क्योंकि हम बाहर बैठे थे, बच्चे बाहर खेल रहे थे, अगर उसके पीछे नहीं भागते तो वो पकड़ी नहीं जाती। प्रॉब्लम थी जब भी मैं भागी उसके पीछे, मेरी टांग में प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर है, जब भी मैं उसके पीछे भागी मेरे पड़ोसी मेरे पीछे पीछे भागे हैं, और भावना चौक पे सबूत है, सारे ने देखा है, वीडियो रील बनाई है उसकी, सबने देखा है उसको, यहाँ पे गली में सबने मारपीटाई कर, तो फिर से बता दें आपको भावना चौक का ये मामला है, थोड़ी देर पहले एक महिला को पकड़ा गया है, हालांकि पुलिस को सौंप दिया गया है, 100 नंबर पर फोन करने के बाद बड़ी खबर इस समय 2200 पानीपत पर आपको लाइव दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें महिला की, हमने एक बार फिर से आपको फोटो जरूर दिखा दें, इस महिला को आप पहचानते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस फोटो को वायरल जरूर करें। पानीपत में ये गिरोह सक्रिय है बच्चा उठाने वाला, जब बच्चा उठाकर जाने लगे तो मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया, दो बच्चों को उठाने की बात जो है कही जा रही है, हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि उसके हाथ में रुमाल था, रुमाल पे कुछ ऐसी चीज़ लगा रखी थी जिससे कुछ बदबू फैल जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और किला थाने का ये जो है मामला बताया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे जी, आप अभी आए तो अभी आए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें, किला चौकी का ये मामला जो है, किला थाने का ये मामला बताया जा रहा है। 2200 पानीपत के नीरव पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।